किसी भी पूर्णिमा को अगर प्रतिपदा साथ में लग रही हो या पड़वा लग रही हो तो उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। केवल राहुकाल विशेष का ध्यान रखा जाए। शुभ मुहूर्तों में दो शुभ मुहूर्त जो पड़ेंगे उसमें राहुकाल का ध्यान रखा जाए, राहुकाल ना हो। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्म चक्र में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, बहनें अपने भाइयों को जाके राखी बांधेंगी, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है इस बात को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सौरभ शंकरदार जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है और साथ ही इसका शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाएगा जी। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को पड़ रही है। 11 अगस्त को दिन में 10:36 से पूर्णिमा का उदय हो जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार उसी दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में भद्रा का विशेष संयोग होता है। रक्षाबंधन में जैसे श्रावणी और फाल्गुनी कहते हैं, रक्षाबंधन को श्रावणी कहते हैं। श्रावणी में और फाल्गुनी में यानी होली के समय पर और रक्षाबंधन के समय पर भद्रा का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस बार रक्षाबंधन पे जो भद्रा है वो पाताल लोक में चंद्रमा मकर राशि में रमण करेंगे। चंद्रमा जिस राशि में रमण करते हैं उस राशि के हिसाब से ही भद्रा का संचालन होता है, भद्रा का पता लगता है। इस बार भद्रा रक्षाबंधन में पाताल लोक निवासिनी होगी। मकर राशि में चंद्रमा पाताल लोक में भद्रा का कारक होता है। अगर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में चंद्रमा होता तो भद्रा पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक पे होती, तब इसका असर देखा जा सकता था। भद्रा तीन स्वरूपों में होती है, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जिस जगह भद्रा रहती है उसी वहीं पे उसका ज़्यादा असर रहता है, नहीं तो उसका असर नहीं होता। इस बार रक्षाबंधन पाताल लोक की भद्रा में ये अति शुभदायी होगा। स्वर्ग लोक में अगर भद्रा होती है रक्षाबंधन के दिन तो धन धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर पाताल लोक में होती है तो केवल धन की प्राप्ति होती है, बस इतना अंतर है। श्रावण मास के में श्रवण नक्षत्र में के प्रथम चरण में भगवान हैग्रीव का जन्म हुआ था। श्रवण का मतलब होता है सुनना, इसलिए कथाओं को सुनना, कथाओं को कहना इस माह में किया जाता है। सर, भद्रा का रक्षाबंधन से क्या मतलब कनेक्शन है? लोग बहुत से ये कंफ्यूज हैं कि भद्रा पड़ रही है तो रक्षाबंधन नहीं होगा या उसके मुहूर्त बदल जाएंगे। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, किसी भी पंचांग में भद्रा लिखी हुई है, भद्रा का समय लिखा हुआ है, लेकिन भद्रा के अपने तीन प्रारूप हैं, आकाश भद्रा, पाताल भद्रा, किस तरीके की भद्रा का स्वरूप क्रोध में कहा जा सकता है जिस जगह वो रहती है, जिस जगह से जैसे कार्य होते हैं। जैसे दैवीय कार्य में स्वर्ग की भद्रा या आकाश भद्रा अच्छी नहीं मानी जाती किसी भी दैवीय कार्य में। दूसरी बात ये कि सूर्य की पुत्री और शनि की बहन होने के कारण इनका स्वरूप तो उग्र है ही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इन दो त्योहारों पे मेनली इसका ध्यान रखा जाता है, बाकी भद्रा तो है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। 11 तारीख को ही सहर्ष मनाया जाए, केवल राहुकाल विशेष का ध्यान रखा जाए। शुभ मुहूर्तों में दो शुभ मुहूर्त जो पड़ेंगे उसमें राहुकाल का ध्यान रखा जाए, राहुकाल ना हो तो शुभ रहेगा। सर, जैसे कि एक बात है कि राहु काल का जो समय पड़ रहा है रक्षाबंधन वाले दिन, जिस समय में हम राखी नहीं बांधेंगे, तो वो समय क्या है? रक्षाबंधन में जो राहु काल पड़ेगा उस दिन वो 2:08 से 3:45 दोपहर में पड़ेगा। केवल उस समय का निषेध रखना है, उस समय रक्षाबंधन का तिलक नहीं करना है। वैसे जो शुभ समय होगा वो पूरे दिन ही होगा, आप अगले दिन 7 तक, क्योंकि रात्रि का समय ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। तो शुभ योग जो चौघड़िया का होगा वो शाम को 7:00 से 8:00 तक का होगा, और रक्षाबंधन का जो अभिजित मुहूर्त होगा वो 12:16 से 1:30 तक होगा, 1:36 तक कह सकते हैं उसे। तो इस समय पे आप रक्षाबंधन कीजिए बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी बात के, साक्षात प्रमाण के साथ। निर्णय सिंधु, तिथि सिंधु में 248 पेज पे सारा इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, जितनी बातें कही गई हैं सारे उसके प्रमाण मिलते हैं उसमें। तो इसमें कोई संशय नहीं है, किसी की बात अगर किसी को अस्पष्ट लग रही हो तो उन बुक्स के रेफरेंस देख लीजिए, हम बुक्स के रेफरेंस आपको अवेलेबल करा देंगे, आप देख लीजिए, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं उसकी पेज नंबर अकॉर्डिंग से।
तो सर इसका मतलब रक्षाबंधन 11 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन 11 तारीख को सुबह जैसे ही पूर्णिमा का उदय होगा तो सड़कों से शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा का उदय अगले दिन 7:05 तक रहेगा। जी शास्त्र में ऐसा भी प्रावधान है कि किसी भी पूर्णिमा को अगर प्रतिपदा साथ में लग रही हो या पड़वा लग रही हो तो उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। उदया तिथि का कंसेप्ट है कि सूर्य जिस राशि में निकले 12 तारीख को तो उस दिन पूरा दिन उदया तिथि रहती है, लेकिन रक्षाबंधन का जो पर्व है और होली का जो त्यौहार होता है, श्रावणी और फाल्गुनी का जो हिसाब किताब होता है वो उसी समय पर कराया जाता है, उसी तिथि में कराया जाता है। पूर्णिमा तिथि 7:05 पर सुबह समाप्त हो जाएगी 12 तारीख को, तो 7:05 से पहले पहले आप तिलक कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं सुबह 2:30 से 7:05 तक। लेकिन 7:05 के बाद जैसे ही पूर्णिमा प्रतिपदा पड़वा से मिलती है उस समय ये सारे कार्य निषेध हो जाते हैं, इस समय उदया तिथि माने नहीं होती, पूरे दिन आप उसे नहीं मना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसा कि आपने जाना कि सर ने बताया कि जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वो 11 तारीख को पड़ रहा है, 11 तारीख को आप दिन भर जो है रक्षाबंधन बनाएं, लेकिन जो राहु काल का समय है दोपहर का उसमें आप रक्षाबंधन ना मनाएं, और साथ ही साथ 12 तारीख को सुबह सिर्फ 7:05 तक ही मुहूर्त है रक्षाबंधन का, तो उसके बाद 12 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाई जाएगी, इस बात का खास ख्याल रखें। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।